मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 दिन पहले सड़क लूट की घटना का खुलासा करते हुए लूटकांड को अंजाम देने वाले 6 लुटेरों को धर दबोचा है। साथ ही साथ इनके पास से एक देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस के साथ लूट के कई सामान को बरामद किया है। पुलिस गिरोह के अन्य 2 सदस्यों की तलाश में जुटी है। दरअसल मुफसिल थाना क्षेत्र के हेरू दियारा के पास पिछले दिनों ई रिक्शा से घर जा रहे सोनू कुमार के साथ अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए चाय टोला निवासी राजू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राजू ने अपने अन्य कई साथियों के नाम बताए, जिसमें से पुलिस ने राजू समेत 6 आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य 2 की तलाश अभी भी जारी है। इस मामले में DSP सदर नंदजी प्रसाद ने कहा कि पकड़े गए सभी अपराधी अन्य कई और लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है। आसिन बाजार थाना अंतर्गत हेरू दियारा तिनबटिया के पास 21 तारीख के रात्रि में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा 2-3 गाड़ी को रोक करके छिनतई किया गया था। उस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। उस छिनतई के घटना में टोटल 4 लोग शामिल थे, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, 4 गोली, छीने गए 2 मोबाइल, 1 पर्स, पर्स में ID कार्ड और वोटर कार्ड था, वो भी बरामद कर लिया गया है। 2 लोग अभी फिरार है, उन्हें गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तक इस मामले में कितने लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं? अभी तक इस मामले में घटना में शामिल, छिनतई में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, राजू कुमार और 36 यादव का। चार अन्य जो लूटे गए सामान थे उनको छिपाने में, हथियार छिपाने, सामान छिपाने में थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार। ये सब पहले भी लूट की घटना का अंजाम दे चुके हैं? हाँ, इन लोगों का क्राइम हिस्ट्री खंगाला जा रहा है। पुलिस ने इस कांड के उद्भेदन करने के लिए टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया और आरोपी द्वारा बताए गए लोगों के फोन को ट्रेसिंग कर जाल बिछाकर इनकी गिरफ्तारी करने में सफलता पाई है। पुलिस इस नेटवर्क को खंगालने की जुगत में लगी है, ताकि अभी और भी अपराधियों की गिरफ्तारी की जा सके। पंजाब केसरी TV के लिए मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।